आप में से कोई ऐसा है जो मैदान मैशर में अपना एटीएम कार्ड ले जाए? कोई है ऐसा जो बैंक की किताब ले जाए? और ले भी जाओगे तो किसी काम की नहीं, वहां तक जा नहीं पाएगी, कब्र में ही खाक हो जाएगी। लेकिन देना है। कभी यार सोचा भी आपने कि जब मैं लेके कुछ नहीं जाऊंगा वहां तो दूंगा कहां से? सोचने की बात है कि नहीं यार? बात है कि नहीं भाइयों? है यार, जब मैं लेके नहीं जाऊंगा तो मैं यार दूंगा कहां से? जब वहां तूने कभी सोचा ही क्यों नहीं? अगर खुदा की कसम ये बात सोच लेता ना तो कम से कम मुसलमान तो किसी की बेईमानी करता ही नहीं, कम से कम मुसलमान तो किसी की बेईमानी करता ही नहीं। हाय हाय, हमने क्या है, किसी का माल लेके अगर वो मांगने भी आ रहा तो उसको हम हड़का रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, और दे दूंगा यार। यार जरा गौर कर, तू मुसलमान है, नबी की सुन्नत तुझे मालूम है क्या? नबी को ये भी पता था मैं दुनिया में आया कब हूं, और ये भी पता था दुनिया से जाहिरी तौर पे जाऊंगा भी कब। बोलो पता था कि नहीं था? कोई ऐसा आदमी है जो कहना पता हो? पता था नबी को। और नबी जब हिजरत की रात 53 साल की जाहिरी उम्र में मक्का से हिजरत कर रहे हैं मदीना, तो अभी 10 साल नबी को दुनिया में और रहना है। कितने साल और रहना भैया, जोर से बोल दो, 10 साल। प्यारे नबी को दुनिया में रहना है 10 साल, पता है? यार वलियों को पता होता है, ये तो नबियों के नबी है ना? वलियों को पता होता है, ये तो नबियों के नबी है। मियां अल्लाह ने वो इन्हें इल्म दिया है कि ये जान लेते हैं, कयामत तक का बता देते हैं। मौला अली को फरमाया, अली मेरे पास कुछ अमानतें हैं लोगों की, ये अमानतें फला की हैं, फला को देना, फला की हैं, फला को देना, फला की है, फला को देना। जिस जिसकी भी अमानत है मुहम्मद अरबी के ऊपर है, अली इन अमानतों को वापस कर देना। आका आपको पता है अभी जाहिरी तौर पर अभी दुनिया में आपको 10 साल रहना बाकी है, आप खुद ही तो दे सकते थे, आपको पता है? हाँ हाँ गुलफाम मुझे पता है, मगर मैं अपनी उम्मत को बताना चाहता हूँ कि अमानतों का ख्याल रखना, अमानत में खयानत ना करना, ये मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। अली को वसीयत इसलिए करके जा रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत के लोग किसी की अमानत में खयानत ना करें, ताकि अमानत को उस तक पहुंचा दिया जाए, ये मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। मेरे नबी कह रहे अली फलक की अमानत, फलक की अमानत, अली फलक की अमानत, फलक की अमानत। जरा गौर तो करो यार, जरा गौर तो करो और सुनिए यार, करीम मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर, करीम मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। मेरे मुस्तफा हक देने आए हैं, हक अता करने आए, हक बांटने आए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मेरे नबी हुज्जतुल वदा का मौका है, अगर मेरे ऊपर किसी का हक हो तो अपना हक ले ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे हैं, फरमाया कि मोहम्मद के ऊपर तो किसी का कोई लेन देन नहीं है। कौन फरमा रहे? मेरे नबी। मेरे ऊपर हो तो लोगो ले लो। एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा मेरा आप पर कर्जा है, दामन पकड़ के मुस्तफा का कहने लगा मेरा आप पर कर्जा। अभी आका उसकी तरफ देख ही रहे थे कि उमर ने उसका बस पकड़ लिया। हजरत उमर का जलाल, तेरी इतनी ताकत मेरे नबी को भरे मजमे में टोक रहा, तेरी इतनी ताकत, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी जुर्रत मेरे नबी को भरे मजमे में टोक रहा। उमर का चेहरा देखा ना वो डर गया, उमर का जलाल देखा ना, उमर का चेहरा देखा गुस्से में लाल, उमर का चेहरा खामोश हो गया थोड़ा, जैसी खामोश हो मेरे मुस्तफा का चेहरा गुस्से में लाल। फरमाया उमर खबरदार, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। हाय हाय, अगर हम होते तो सीना तन जाता, मेरे भतीजे ने पकड़ लिया बाबू, अब इससे जरा झेल, मेरी बेइज्जती कर रहा था भरे मजमे में, मेरा भैया अब उठ के आ गया, अब इसको सिखाया का समझ, जरा बता दो मुझे मजमे में बेइज्जत कर रहा था ये, करते कि नहीं करते? मेरा भैया आ गया, मेरा चाचा आ गया, मेरा भतीजा आ गया, मेरा बेटा आ गया। हाय हाय, उमर ने बाजू पकड़ा, वो सहमा,
मुस्तफा गुस्से में चेहरा लाल का, उमर मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। हाय हाय, इतना कहा तो उमर सहम गए। अरे यार उमर की क्या ताकत, इतना देखा तो उमर सहम गए। खामोश जैसे आग पर पानी डाल दिया। मुस्तफा ने फरमाया, उमर होना तो ये चाहिए था जैसे इसने मेरा दामन पकड़ा था, तो तू पूछता तेरा कौन सा कर्जा है और फिर मुझसे कहता आका अब तक अदा क्यों नहीं किया। आए हाय हाय, यहां तो हम पंचायत करने चले जाएं, गरीब का अगर नीरा भी बिल्कुल उसका आ रहा है तो कंगे भैये की सी। भाई हंसने की नहीं, मैदान मैशर में गर्दन पकड़ी जाएगी, गर्दन पकड़ी जाएगी मैदान मैशर में। यहां तो पंचायत करने चले गए तो देख रहे पार्टी का किसका, अपनी पार्टी की कहना है। मियां इस्लाम में ये पार्टी नहीं है यार, तेरी पार्टी वो है हक वाली पार्टी है। जब तू गया तो हक बात कह, नबी ने तो खुश होना चाहिए था, उमर क्या बात है मेरा पार्ट ले लिया, उमर क्या बात है मेरी तरफदारी कर ली। उमर जरा बता दो, भरे महीने में मुझसे कह रहा कर्जमंद है और इतना, उमर जरा इसकी गर्दन तो उतार, और उमर गर्दन उतार लेते कौन रोकता। लेकिन हाय कुर्बान जाओ मुस्तफा के इंसाफ पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के कानून पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के किरदार पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा की शरीयत पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के लाजवाब इस कानून पर। अरे अपने तो अपने, गैरों ने कहा है कि पूरी दुनिया में मोहम्मद जैसा कानून कहीं मिलता ही नहीं है। अपने तो अपने, दुश्मनों ने कहा मोहम्मद जैसा कानून हमें कहीं नहीं मिलता, मोहम्मद जैसा इंसाफ हमें कहीं नहीं मिलता। का उमर मुझे तुझसे तो ये उम्मीद ना थी, तूने मेरा दामन पकड़ा होता उसका बाजू ना पकड़ा होता। और उमर मेरा दामन पकड़ के कहता आका इसका कर्जा तक क्यों नहीं दिया। हाय हाय, मैं खुश होता, अल्लाह अल्लाह, मैं खुश होता। अब जरा गौर तो करो मुसलमानों, जरा गौर तो करो, ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे मुस्तफा का किरदार है यार। हाय हाय, अली से कह रहे हैं, अली मेरी अमानत है फला फला की, फला फला को देना। भाइयों अब मेरी तरफ देखो आप, बिल्कुल ठीक, मोबाइल सबके पास हैं, अगर आप अपनी वीडियो ना बना करके खाली मुझे देखें, वीडियो में तो रोज देखते ही हैं, अजीब मामला, आज मैं आपके सामने हूँ तब भी मोबाइल में ही देख रहे हैं आप, क्या मामला है यार। कल को ये मोबाइल में आ जाएगा, इतना बड़ा चैनल ये चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा, कल को मोबाइल में आएगा ये, समझ रहे हैं, बहुत क्लियर होगा, आवाज़ भी होगी सब कुछ। आपके मोबाइल का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ तो आप सामने बैठे हो तो ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल सुनो, ये अच्छी बात है। हाँ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।